स्पीड लिमिट सिर्फ 60 भाई, देखो मतलब Z900 लेके 60 चलना पड़ रहा है, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। एंड अभी आए अपन एलिवेटेड पे अपनी Z900 को लेके। एक्चुअली अभी तक इसका हमने कुछ भी नामकरण नहीं किया है, तो इसको अपन Z900 ही बोल रहे हैं। तो जल्दी से गाइस कमेंट जल्दी से करो कि मैं इस बाइक का क्या नाम रखूं, एंड जो आप सबका सजेशन होगा उसमें से ही कुछ ना कुछ रखा जाएगा। सो जस्ट कमेंट ऑन बिलो एंड होपफुली कि कुछ अच्छा ही रखेंगे तगड़ा सा। ये अपने साथ आ रहे सर भाई, देखो एकदम पैरेलल चल रहा है। वैसे अपन ज़्यादा भगा तो नहीं रहे बट इन लिमिट चल रहे हैं। एंड एक्चुअली शाम का टाइम था तो हमने सोचा कि थोड़ा सा एक इवनिंग शॉर्ट्स पिन ले लें। तो बेसिकली अभी है ना, यहाँ पे सीन ये हो रखा ना कि पटना के सड़कों पे भाई पुलिस बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो रखी है, एंड साथ ही साथ इंटरसेप्टर लेकर मतलब वो स्पीड गन लेकर वो लोग स्पीड चेक करते हैं। तो अपन भाई बिल्कुल आराम से चलेंगे, नो ओवर स्पीडिंग, क्योंकि अपने को चलान नहीं कटवाना, आराम से चलेंगे तो अच्छा रहेगा। ये देखो भाई, ये रहा लगा पर सिस्टम, और यहाँ पे कट रहा है भाई चलान, अमेजिंग भाई। ये देखो कार वालों का कट भी गया। हाँ, स्पीड लिमिट सिर्फ 60 भाई, देखो मतलब Z900 लेके 60 चलना पड़ रहा है, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। जब ये बाइक नहीं था तो इस पर कोई चलान नहीं कट रहा था, अब बाइक ले लिया तो चलान कट रहा है ओवर स्पीडिंग का। तो अब चलो इधर भगाते हैं ऑन सेकंड गियर, ऑन थर्ड सॉरी। वैसे मैंने बाइक को अभी राइडर मोड में कर रखा है, पावर को लो कर रखा है, इसमें भी ऑप्शन है फुल भी कर सकते हैं बट हमने लो कर रखा है। एंड KTRC मतलब जो कावासाकी का ट्रैक्शन सिस्टम आता है उसको मैंने Level 3 पे कर रखा है। इसको ऑफ भी कर सकते हैं अपन, 1, 2 एंड 3, तीन लेवल तक ये होती है। इसमें बहुत सारे फीचर्स है गाइज, मैं मतलब आराम से एक प्रॉपर व्लॉग बनाऊंगा बाइक पे। एंड अभी आपको आगे कहीं पे रुक के बाइक का एक वॉक अराउंड दिखाता हूँ। बहुत सारे फीचर्स है जो इस बाइक में, मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊँगा कि इसमें क्या क्या चीज़ है एंड कैसे कैसे इसमें मोड्स वगैरह है, क्या क्या मोड्स में फ़ीचर्स है उसके। तो अभी बस आगे रुकते हैं। एंड देखो शाम का टाइम है तो मैं बस शॉर्ट स्पिन के लिए निकल गया, मेरा कुछ भी प्लान नहीं था अभी राइड करने का। वैसे तो भाई इसमें फ्यूल भी देखो अभी लो हो रखा है, माइलेज तो भाई शहर में भूल ही जाओ, मतलब बिल्कुल ना के बराबर देती है, 8 से 10 का दे रही है अगर शहर में चलाए तो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होती है पटना में। लेकिन अब बात आता ये कि इसमें लगवाना हमें एग्जॉस्ट, तो एग्जॉस्ट कब लगेगा एंड आप लोग का क्या रिस्पांस आ रहा है भी मुझे खुद नहीं पता। आप लोग का जितना ज़्यादा प्यार होगा, आप लोग जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे उतना ज़्यादा मैं खुश होऊंगा एंड उतना ज़्यादा अच्छे अच्छे वीडियोस बना पाऊंगा। और तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था एंड अभी भी मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब है, बट मोस्ट प्रोबेबली मेरा प्लान हो रहा है थोड़ा एक शॉर्ट राइड लेने का, मतलब आउट ऑफ पटना। वैसे तो मैं दिल्ली से चला कर इसे लाया हूँ बट फिर भी जो मन भरना होता है ना वो अपने बाइक से अभी तक मेरा मन नहीं भरा है। एंड देखो मोस्ट प्रोबेबली अपन रांची जाएंगे, तो रांची की पब्लिक अगर तैयार है तो भाई बोलो, एक छोटा सा मीटअप भी कर लिया जाएगा। तो देखते हैं जैसा होगा, मैं क्विक अपडेट्स दूंगा इंस्टाग्राम पे। सो गाइस जो भी इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं कर रखे हो, गो एंड फॉलो मी अप देयर, StreetBurner15 इंस्टाग्राम हैंडल है, लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अभी चलो आगे रुकते हैं एंड दिखाते हैं बाइक का एक प्रॉपर वॉक अराउंड। तो है जाओ बाइक एंड कुछ ऐसी दिखती है अपनी मशीन, हैव अ लुक गाइस, बहुत ही प्यारी सी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कलर है ना जो मैंने सोच रखा था वही कलर मुझे मिल गई। ऑल्दो अगर मैं न्यू के लिए जाता तो अभी इसकी ग्रीन वाली एडिशन आई है सिर्फ वो मिलती, बट मैंने भाई जो सोच के रखा था ये कलर मुझे बहुत ही मुश्किल से मिली है। ऑल्दो मुझे एक और इसका कलर पसंद था जो कि ग्रे एंड कैंडी रेड अलॉयज जिसमें थे वो भी पसंद था, बट वो अवेलेबल नहीं था कहीं पे एंड उसमें सिर्फ और सिर्फ BS4 वेरिएंट आता था, मुझे BS6 लेना था। बाइक में क्या क्या लोडेड है वो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे रेडिएटर ग्रिल लगा रखा है, फ्रंट यहाँ पे देखो प्रोटेक्टर लगा रखा है, ये RNG का है, एक क्रैश गार्ड है पता नहीं भाई कौन से ब्रांड का, एक ये एग्जॉस्ट प्रोटेक्टर, और पीछे स्पूल्स लगे पड़े RNG के, बस इतना ही, ज़्यादा कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा, शॉर्ट एंड सिंपल।
और एक्स्ट्रा एसेसरीज अभी तक कुछ भी नहीं है, मैं लगाऊंगा तो सिर्फ और सिर्फ एग्जॉस्ट, उसके अलावा मेरा अभी कुछ भी दिमाग इस पर जा नहीं रखा है। मिरर्स मुझे चेंज कराने, मैं ये हटाकर बार एंड मिरर्स लगाऊंगा, तो वो सब आगे अपन को फ्यूचर में देखने को मिल जाएगा। तो थोड़ा यहाँ पे चिल करते हैं एंड फिर मिलते हैं आप लोगों से। अभी अपन निकल रहे हैं यहाँ से एंड काफ़ी टाइम यहाँ पे अपन बैठ के थोड़ा चिल आउट किए, काफ़ी सारे फ्रेंड्स आए थे, सबसे मिलना था, सबने बोला भाई बाइक दिखाओ बाइक दिखाओ। एक्चुअली देखो ये जो रैंडमली होता है ना चीज़, वो सबसे बेस्ट होता है। मेरा भी कोई प्लान नहीं था, मैंने बिल्कुल रैंडमली गया बाइक बस देखा और परचेज़ कर लिया। ऑल दो एक चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है गाइस, देखो आप इन फ्यूचर अपने लाइफ में कितना भी ऊपर चले जाओ बट ना अपने फ्रेंड्स को कभी मत भूलना, जो भी आपके साथ स्टार्टिंग से फ्रॉम योर बैड टाइम टू योर गुड टाइम। एंड एक चीज़ होता है क्या, लोग ना धीरे धीरे चेंज होने के बाद ना टाइम के एक टाइम पे लोग के अंदर एटीट्यूड आ जाता है, तो गाइस कभी वो अपने अंदर मत लाना, क्योंकि एटीट्यूड अगर आप कुछ नहीं कर पाओगे एंड एटीट्यूड रहने से ना आपके लाइफ में ना कभी भी ना ग्रोथ नहीं आएगा। ये चीज़ हमेशा याद रखना, मैं बस एक चीज़ बोलूँगा, क्योंकि बस लोग ना देखते देखते बोलते कि यार एटीट्यूड आ गया, अब उसके पास सुपर बाइक आ गई, तो ये चीज़ कभी अपने मन में मत लाना। वैसे बहुत सारे लोग के मन में आ जाता है बट जब तक लोग ना सामने से आकर बात नहीं करेंगे, सामने ऐसे मिलेंगे नहीं, तब तक लोग ये चीज़ क्लियर आउट नहीं कर पाते। एंड कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस, किस किस को ये आजकल के वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं और इस बाइक पे किस किस टाइप के कंटेंट्स चाहिए आप लोगों को, सब कुछ आपकी मर्ज़ी से होगा। एंड बाइक का नाम भी हम लोग डिसाइड करेंगे जो आप लोग कमेंट बॉक्स में रखोगे उसी पे। तो अच्छा अच्छा कमेंट करो गाइस एंड अच्छा अच्छा सोच के बताना कि यार इस बाइक का क्या नाम रखा जाए। ऑल दो मेरे माइंड में अभी एक होता ना कुछ भी ऑप्शन रखना, कुछ भी नहीं है, वरना मैं आपको 3-4 ऑप्शन दे देता, बट देखते हैं आप लोग के कमेंट बॉक्स से मैं पिक करूँगा कुछ ऑप्शन, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा एंड उसके बाद एक अच्छा सा नाम रख देंगे इस बाइक का। मैं बोल रहा हूँ ना मेरे गले में इतना ज़्यादा पेन हो रहा है बट फिर भी यार व्लॉग तो करना ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है एंड आपको मेरा आवाज़ भी थोड़ा चेंज सा लग रहा होगा, बट मेरे पास कुछ भी वीडियोस वगैरह शूट मैंने नहीं कर रखा था, कोई भी व्लॉग नहीं थी अपने पास डालने को, तो मैंने सोचा चलो एक व्लॉग शूट कर लेते हैं, अदरवाइज़ ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा गैप हो रखा था। मैंने बोला था लास्ट वीडियो में कि 2-3 दिन के बाद वीडियो आएगी, बट मैंने सोचा कि चलो अगर अपने पास टाइम है तो शूट कर ही लेते हैं, शूट कर लिए तो अपन अपलोड कर लेंगे इससे आराम से। तो चलो अब थोड़ा ना स्ट्रकोस चलते हैं लेकर स्ट्रीट में, ऑल दो वहाँ पर ना समझ आएगा कि क्या हालत ख़राब करती है बाइक। जब मैं इसे यहाँ पे लेकर आ रहा था इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, आ चुके अभी अपन एकदम फुल टू ट्रैफिक वाले रास्ते में, देख सकते हो मैंने ना ट्रैक्शन को भी 1 पे कर रखा है बट पावर को मैंने फुल कर दिया, मुझे लो पे रखना चाहिए था, ये मेरी गलती है। देखो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा बालू है रोड पर। फाइनली अपन इस ट्रैफिक से निकल के आए भाई अटल पथ पे, यार हालत ख़राब हो रखी थी बिल्कुल, ये देखो मतलब हाथ के क्या हाल हो रखी, इतना ज़्यादा पेन हो रहा है हाथों में। एक्चुअली आदत नहीं इतनी वेटेड बाइक चलाने का, खास करके ट्रैफिक में ना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ऑल्दो मैं अभी इतना ज़्यादा यूज्ड नहीं हूँ इस बाइक से, थोड़ा सा टाइम लगेगा ज़रूर, मैंने बाइक को लगभग समझो दिल्ली टू पटना चला लिया, बट फिर भी ना वहाँ पे हाईवे वे था एंड एक्सप्रेस वे वगैरह था तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, बट अभी शहर में ना चलाने में लिटरली बता रहा हूँ इतनी फट रही है मतलब क्या ही बताऊँ। फाइनली थोड़ा सा अच्छा रास्ता मिल रहा है इधर, चलो सेकंड गियर में पुल करते हैं। 130 सिर्फ सेकंड गियर पे मैंने पुल किया था, 130 चली गई यार सीरियसली, मतलब ये जो जब 5-6 हज़ार आरपीएम के बाद जो पुल करती है ना बहुत ही डिफरेंट होता है यार, और ऐसे पुल के बाद ना स्माइल जो फेस पे आती है, ये सारा ट्रैफिक वगैरह जितना था सब मतलब सबका ये इलाज है, सबको ये रिलीफ देती है सब चीज़ के बाद। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पे। क्या भाग रही है यार, ऑल दो इसमें जब एग्जॉस्ट लग जाएगा ना तो इसका साउंड तो आप समझ ही लो क्या ही होने वाला है। वैसे मैं सेकंड सर्विस तक आएगा एग्जॉस्ट नहीं लगाने वाला, बाइक अभी चली है अराउंड 2000 किलोमीटर्स बट इसकी सेकंड सर्विस होती है बिफोर 6000, तो मैं 5-5.5 पे करा लूँगा, तो तब तक के लिए गाइस आपको वेट करना पड़ेगा एग्जॉस्ट के लिए एंड आपको तब तक के लिए सुनना पड़ेगा स्टॉक साउंड।
एंड आई होप कि आपको ये साउंड पसंद आ रहा हो। वैसे मुझे पता है वो वाला ज़्यादा पसंद आएगा, बट उसके लिए ना थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो वैसे चलो फिर मिलते हैं किसी ऐसे वीडियो में, बाय बाय गाइज एंड राइड सेफ़।